अरे नमस्ते, मैं किरण बडोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दलिया की खिचड़ी। और दलिया की खिचड़ी के लिए मैंने ले रखे हैं, ये देखिए, एक कटोरी के लगभग, यानी कि 100 ग्राम से लगभग कि करीबन लगभग मैंने दलिया ले रखी है। आप अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके लिए मैं साथ में गाजर, आलू, टमाटर और ये फूलगोभी भी ले रखी है। आप इसमें जो है और भी सब्जियां अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। इसमें मटर और भी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी वगैरह ले सकते हैं आप। तो चलिए पहले अब दलिया बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो है गाजर, और गाजर को मैं जो हूँ पहले छिल के रख दूँगी। तो अब देखिए मैं गाजर को पत्ता पतला काट दूँगी। तो गाजर भी मैंने पत्ता पतला काट दिया है और आलू भी मैं इसी के साथ काट दूंगी। आलू भी मैंने पतले पतले काट दिए हैं और अब इसी के साथ में जो है ये फूलगोभी है तो इसे भी मैं साथ साथ में काट देती हूँ। तो सारी सब्जी मैंने मिक्स काट दी हैं और अब टमाटर को भी मैं काट के रख दूंगी। तो देखिए मैंने टमाटर भी बारीक बारीक चॉप कर दिए हैं और अब मैं जो हूँ दलिया को जो है नॉर्मल ठंडे पानी से साफ धुलूंगी। दो तीन पानी से साफ धुल दी है इस तरह से। और अब मैं जो हूँ दलिया की खिचड़ी बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, पूरा देखें, स्किप ना करें। दलिया की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने जो है सबसे पहले एक चम्मच घी डाली है। तो अब घी भी गर्म हो गया है तो इसमें मैं जो हूँ जीरा चटका लूँगी। आप इसमें प्याज भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं जीरा चटका देती हूँ पहले। और अब जीरा भी चटक गया है तो ये टमाटर भी मैं इसमें डाल लूँगी और पहले टमाटर को भूनने दूँगी। देखिए मैंने एक पैन ले रखा है, प्रेशर कुकर नहीं ले रखा है, इसमें मैं पैन में बना रही हूँ खिचड़ी दलिया की। और इसमें मैं थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालूंगी ताकि टमाटर गल जाएं। तो टमाटर भी भुन चुक गए हैं तो इसमें जो हमने सब्जी काट रखी है तो इसे सारी सब्जी को इसमें डाल लेंगे। और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। इनको भी हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। इसमें थोड़ा सा हमने नमक पहले ही डाल रखा है तो इसको जो है ऐसे ही हम इनको चला लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको लिड से कवर कर लूँगी और थोड़ी देर तक इन्हें पकने दूँगी। मैं अब लिड को हटा लेती हूँ। बस ये भी भुनने लग गए हैं क्योंकि हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा पका देना चाहिए क्योंकि दलिया जो है जल्दी ही पक जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले और कुछ देर तक मसालों के साथ भुनने देंगे। धनिया पाउडर 2 चम्मच,
मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार डालें। हल्दी पाउडर, और जीरा पाउडर, और इनको भी थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो अब देखिए इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए और अब मैं इसे थोड़ा सा पानी डालूंगी। और ये मैंने मिक्स कर लिया और मैं थोड़ी देर तक इसमें लिड लगा लूँगी और थोड़ी देर तक पकने दूँगी। तो अब मैं लिड हटा लेती हूँ, ये देखिए, और ये सब्जी जो है थोड़ा थोड़ा पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दलिया। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो दलिया को मिक्स कर लेंगे सब्जी में इस तरह से। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे अब, क्योंकि दलिया भी सब्जी के साथ भूननी है। और अब थोड़ी देर तक ढक्कन लगा लेंगे, क्योंकि दलियों को भूनना है सब्जी के साथ, उसके बाद तब फिर आगे बताती हूँ। अब मैं लिड हटा लेती हूँ। देखिए दलिया भी जो है सब्जी के साथ भुन चुक गए हैं। और अब इसमें डालेंगे हम पानी। और ये सब्जी भी पक गई है, ये देखिए साथ साथ में ये पकने लग गई है। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो लगभग मैं डेढ़ गिलास के करीबन पानी डालूंगी, डेढ़ या एक, देखती हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा पानी और ऐड कर लूंगी मैं। मैंने इसमें डेढ़ गिलास पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि जो ये पानी पीने वाले गिलास नॉर्मली होते हैं उससे मैंने इसमें डेढ़ गिलास रख दिया है। इसको आप जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहे रख सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने थोड़ी देर पहले भी डाल रखा था। और मिक्स कर लें। बस अब इसमें लगा लेंगे लिड और थोड़ी देर तक इसे पकने देंगे। तो चलिए मैं लिड हटा लेती हूँ। तो देखिए ये खिचड़ी कितनी बढ़िया बनी है। इसको आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं इसमें, और सब्जियाँ आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं इसमें, डाल सकते हैं। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। और जो दलिया, सिंपल दलिया की खिचड़ी ना खाना चाहिए, तो इस तरह से अगर बनाएं तो बहुत ही टेस्टी होती है ये, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो सारे आलू भी ये पक गए हैं, इसे मैं इस तरह से मसल लूँगी थोड़ा।
बस इस तरह से मैंने सारे आलू भी मसल लिए हैं और गाजर भी और आलू भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो बच्चों को तो आलू पसंद है, तो इसलिए बच्चे आलू पसंद करते हैं, तो ऐसी खिचड़ी हम उन्हें बना के दे सकते हैं, दलिया की खिचड़ी, और हेल्दी भी है ये। इसमें मैं मिला देती हूँ हरा धनिया अच्छे से और मिक्स कर लूँगी। वाओ कितनी प्यारी लग रही है। और अब मैं फटाफट से इसे सर्व कर लेती हूँ। बन गई है दलिया की खिचड़ी। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।